हेलो एंड वेलकम टू होम स्पन रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी स्वीट डिश लेकर आई हूँ जो कि चावल के आटे से बनती है। इस डिश का नाम है दूध फरा और ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। तो आइए देखते हैं दूध फरा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। रेसिपी देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इलायची 6 से 7, लौंग 6 से 7, शक्कर 1/4 कप, चावल का आटा 2 कप, दूध 1/2 लीटर यानी कि 500 ml और घी 1 से 2 चम्मच। तो आइए बनाते हैं दूध फरा। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो हम एक बड़े से प्लेट में चावल का आटा डालेंगे और पानी की मदद से हम आटा गूंदेंगे। और आटा हम बहुत ज़्यादा लूज नहीं गूंथेंगे, अच्छी तरह से आटे को मलेंगे और टाइट आटा लगाएंगे। तो आटा तैयार है और अब हम इसका फरा बना लेंगे। तो जिसके लिए हम आटे की छोटी छोटी गोलियां लेंगे और हाथ में ज़रा सा तेल लगाकर हम गोलियों को प्रेस करते हुए फरा का शेप देंगे। ये जो है ये फरा का बेसिक शेप होता है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप जानते होंगे कि जब घर में दूध फरा बनता है तो बच्चे जो हैं वो तरह तरह के शेप्स बनाते हैं और हम भी स्टार और छोटे छोटे कप्स ऐसे शेप्स बनाया करते थे। तो ये बेसिक शेप है और इसके अलावा आप जो भी शेप्स बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए फरा जो है वो बनकर तैयार है और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है जिसमें हम अपना दूध फरा बनाएंगे। इसमें हमने घी डाल लिया है। ये घी जो है ये 2 छोटे चम्मच के बराबर है। और जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें इलायची और लौंग डाल देंगे। जब लौंग और इलायची में से खुशबू आने लगे तब इसमें दूध डाल दें और इसे धीमी आंच में पकने दें। जब दूध उबलने लगे तब इसमें शक्कर डाल दें। हमने यहाँ पर 1/4 कप शक्कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको कम स्वीट चाहिए तो आप कम शुगर ले लें और अगर आपको शुगर फ्री बनाना है तो आप शुगर फ्री स्वीटनर जो है वो डाल सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये मिल्क जो है ये उबलने लगा है तो ये सही समय है कि हम इसमें फरा जो हमने बना कर रखा है उसे डाल दें। बहुत ही केयरफुली हम इसे डालेंगे ताकि फरा जो है वो टूटे ना। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे बहुत ही ध्यान से चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो नीचे लगे ना। तो इसे हम आराम से पकने देंगे और बीच बीच में इसे स्टर करते रहें। जब फरा पकने लगेगा तो वो हार्ड होने लगेगा और उसका कलर जो है वो जो ब्राइट वाइट रहता है उससे वो थोड़ा सा पेल वाइट होने लगेगा। तो इसमें एक चाकू या फोक डालकर देख लें। जब ये कड़ा हो जाए यानी कि जब वो टूटे ना तब आप समझ जाएं कि फरा जो है वो पक चुका है।
और एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, क्योंकि जब आप इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये अपने आप ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें कि जब आप इसका फ्लेम ऑफ करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा जो मिल्क है वो गाढ़ा ना हुआ हो। दूध फरा बनकर तैयार है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख दें और फिर सर्व करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। होमस्पन रेसिपीज़ देखने के लिए धन्यवाद, और आप अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।